नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है दोस्तों, परचेज रिटर्न कैसे कर सकता है। यानी कोई भी आइटम आप अपने सप्लायर से लिया हो, उसको मतलब कुछ आइटम्स डैमेज और समथिंग लाइक दैट आपको नहीं चाहिए, वो रिटर्न कैसे करेंगे रेंडिक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में। तो उसके पहले हमने एक बार स्टॉक देखेंगे दोस्तों, क्योंकि जैसे परचेज करता है स्टॉक में ऐड होना है, जैसे परचेज रिटर्न करता है स्टॉक से माइनस होना है, ये भी आपको जान के रहना जरूरी है दोस्तों। इसलिए अपने जाएंगे दोस्तों, देखो स्टॉक में जाइए, अपने स्टॉक में जाकर के कोई भी एक प्रोडक्ट आपने चूज करिए, कौन सा आइटम आपको यानी उसको स्टॉक वगैरह देखना है। आपने ये जो ये वाला आइटम देखिए, ये जो फोर्थ आइटम है, 0457 उसका बार कोड है, 0457 उसका बार कोड है। बार कोड से भी आपने परचेस कर सकता है। और उसका स्टॉक भी आपने देखिए कितना स्टॉक है अभी, यानी 19 पीस है, ठीक है जी, 19 पीस उसका करंट स्टॉक है। अभी हमने परचेस करेंगे इधर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है जी। तो हम जाएंगे दोस्तों अपना यानी परचेज में, सबसे पहले जाएंगे देखो इधर परचेज एंट्री, यानी परचेज एंट्री आप देखा ना किधर, देखिए यही है परचेज एंट्री। इसको एक बार परचेज करके फिर वो प्रोडक्ट को मैंने रिटर्न करके दिखा देंगे आपको। तो परचेज एंट्री में आपने क्लिक करिए, कोई भी सप्लायर को आपको इधर यानी सेलेक्ट कर सकता है। इधर आपने सप्लायर को सेलेक्ट कर दिया, जो भी सप्लायर को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है जी, जो भी सप्लायर को आपको इधर से मतलब सेलेक्ट करके नीचे डाल सकता है। और उसके बाद हाँ, आपने इधर से देखो प्रोडक्ट इस तरीके से ढूंढ के भी ला सकता है। अदरवाइज आपके पास प्रोडक्ट में ऑलरेडी बार कोड है, उस बार कोड से स्कैन करिए, 0457 था अपना बार कोड, यानी 57, ठीक है जी, 0457 उसमें ऐड करिए। इसमें हमने 19 पीस उधर स्टॉक देखा था आपको, यानी 100 पीस और खरीदी आपने। इधर मैंने 100 डाल दिया, और जो भी प्राइस वगैरह चेंजेस करना है आपको चेंजेस कर सकता है, जीएसटी वगैरह जो भी है। और इधर देखो फ्राइट चार्जेस वगैरह ऐड करने के लिए सारे ऑप्शन दिया हुआ है, इवन फ्राइट चार्जेस भी आपने डाल सकता है। आप इधर क्लिक करके ऐड करिए दोस्तों, यानी परचेस में ऐड करिए। कितने भी प्रोडक्ट आपको एक साथ इस तरीके से परचेस कर सकता है। इसको सीधा जा करके आपने सेव करिए दोस्तों, यहाँ जा करके सेव करिए, ठीक है जी। सेव करने के बाद आप सीधा फिर दोबारा जाइए स्टॉक में, जाइए अपना जो स्टॉक बटन में, स्टॉक बटन में इसलिए जाना है हमको, ये जो परचेस किया स्टॉक में ऐड हुआ क्या पहले चेक करना है। तो ये जाके देखिए दोस्तों, पहले 19 पीस था वो जो प्रोडक्ट, अभी 119 पीस हो गया। तो समझ लीजिए आपको इसमें से कुछ पीस आपको रिटर्न करना है, ठीक है जी। तो आपको यानी सप्लायर के पास वापस करना है माल, आपको क्या करना है देखो इधर, यानी परचेस रिटर्न बोल के ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, देखिए परचेस रिटर्न में आपने क्लिक करिए, यहाँ देखो आपने यहाँ क्लिक करिए दोस्तों। यहाँ क्लिक करने से जो भी इसको लिस्ट वगैरह आ जाएंगे, और यहाँ जो डेट वाइज आपको सर्च करने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, और आज का डेट डाल के गेट डेट किया, तो आज का दिन में कौन कौन सा परचेज मतलब परचेस किया है, सब कुछ का लिस्ट इधर आ चुका है। तो सबसे पहले आपको ये जो प्रोडक्ट आपको रिटर्न करना है, तो आप उसको सेलेक्ट करिए दोस्तों, और ये जो लाइन में आपने दोबारा क्लिक करिएगा, ये जो लाइन है ना, तो देखिए इसमें क्लिक करिए, तो वो जो प्रोडक्ट आपको नीचे आया हुआ है। तो 100 पीस आपने खरीदा था इसको, इसमें से कितना पीस आपने रिटर्न करना चाहते हो, समझ लीजिए आपको यानी 19 पीस रिटर्न कर दूँ, 19 पीस ताकि राउंड फिगर आ जाएंगे आपको, 19 पीस रिटर्न कर दीजिए। मैंने 19 पीस इधर रिटर्न करने करके डाल दिया आपको, ऐड कर दिया, और इधर राइट साइड में जाकर के आपको सेव कर सकता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पहले हमारा 100 अभी जो करंट स्टॉक जो है अपना 119 पीस करंट स्टॉक है, ठीक है जी। अभी हमने इसको 19 पीस रिटर्न कर रहा हूँ, उसको सेव कर दिया, ओके कर दिया और क्लोज कर दिया। अभी आप दोबारा स्टॉक चेक करेंगे, 119 से 19 चला गया तो कितना आना चाहिए दोस्तों, 100 आना चाहिए। 100 है क्या अभी, देखिए दोस्तों, देखिए एकदम प्रॉपर वे में उसको इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी हो गया, आपको सेल अपना यानी रिटर्न भी हो चुका है। अच्छा, ये रिटर्न होने वाला प्रोडक्ट कहाँ दिखाएंगे आपको, देखो रिकॉर्ड्स के अंदर, जीएसटी रिटर्न्स के अंदर भी, यानी सेल रिटर्न जो सॉरी परचेस रिटर्न का जो पोर्शन है ना जी, यहाँ आपको और रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है दोस्तों, ताकि आपको एकदम प्रॉपर रिपोर्ट आपको मेंटेन कर सकता है रेंडेक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।